हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको बनाना शेक सिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बनाना शेक बहुत टेस्टी होता है और जो जिनका जिनको अपना वेट गेन करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। बनाना और मिल्क साथ में लेने से वेट बढ़ाने में मदद करता है। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में आप इसको ले सकते हैं। आप देखिए इन्ग्रीडियंट्स हैं, मैंने कुछ आइस क्यूब्स ली हैं, 1 बिग बनाना को मैंने कट कर लिया है, शुगर है और मैंने 250 ml मिल्क लिया है क्योंकि मैं आपको एक ही ग्लास बनाना सिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें हम पहले थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, उसके बाद मैं ये बनाना पीसेस ऐड कर रही हूँ। बहुत इजी है और कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 1 स्पून में शुगर डाल रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि बनाना भी मीठा होता है। अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे। पहले हम थोड़ा मिल्क इसलिए डालते हैं ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हम बाकी सारा मिल्क भी ऐड कर देंगे और इसको एक बार फिर ब्लेंड करेंगे। अभी मैं इसमें आइस ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है। अगर दूध ठंडा आपके पास है, ज्यादा ठंडा नहीं लेना है, तो आप इसको आइस को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज गर्मी में अगर थोड़ा सा आइस डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मिल्क जब भी आप लेंगे पहले बॉइल करेंगे उसको, फिर ठंडा होने के बाद यूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे। ना ये बहुत थिक है ना बहुत पतला है और पीने में बहुत टेस्टी है। आप शुगर कम और ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 ग्लास ये तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं 1.5 ग्लास तैयार हो गया है 250 ml मिल्क लेने से। ये देखिए बहुत यमी है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और खेलने वाले बच्चों को ये देना भी चाहिए क्योंकि उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आई होप यू विल लाइक माई रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।